आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजनीति शास्त्र का पार्ट 2। चैप्टर नेम है जाति धर्म और लैंगिक मसले। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में जाति धर्म और लैंगिक मसले का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास पर और अध्ययन करते हैं पार्ट 2 का। तो यहाँ पर हम अति लघु त्रि प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 से अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है उसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। ठीक है, पूछा गया है कि भारत की विधायिकाएं हैं जो, उसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, उसके बारे में आपको बताना है। क्या है वहाँ पर महिला की स्थिति, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं इसके बारे में कि क्या है आखिर महिला की स्थिति। तो अगर बात करें भारत की विधायिकाओं में, तो यहाँ पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 8.3% ही है। कितना है? केवल 8.3% है। ये पिछला डाटा है, लेकिन आज की अगर बात करें तो महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्थानीय स्वशास्त्रीय इकाइयों में 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। स्थानीय जो स्वशास्त्रीय इकाइयां हैं उसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। राज्यों की विधानसभाओं में भी 5% से भी कम है महिलाएं। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं में 5% से भी कितनी है, कम है महिलाएं। ठीक है, आगे बात करें, लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर भी सहमत आ गई है। और अब जब 2020 के डाटा की बात करते हैं तो 2020 में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो अब महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व है उसमें बढ़ोतरी हो चुकी है और ये 2020 में इसका डाटा जो है वो बढ़ भी गया है। तो इस तरह से लोकसभा में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर सहमत प्राप्त हो चुकी है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात कर लें। अगला क्वेश्चन है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश मानते हैं। उन प्रावधानों के बारे में हमें बताना है जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश साबित करते हैं, या जिसके जिससे हमें पता चलता है कि भारत जो हमारा है वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है। पहले अगर यहीं पे पॉइंट की बात करें तो भारत की धर्मनिरपेक्षता बनाने वाले 2 प्रावधान निम्नलिखित हैं। पहला कि भारत में किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। ठीक है, भारत में किसी भी धर्म को एक राष्ट्रीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो भारत का संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को कोई भी स्वीकार करने और उसका प्रचार करने की छूट देता है। मतलब भारत का जो संविधान है उसमें सभी नागरिकों और समुदायों को कोई भी जो उसे स्वीकार कर ले उसका प्रचार करने की छूट, मतलब किसी को भी स्वीकार करने और उसका प्रचार करने की छूट देता है। ये 2 कार्य जो हैं ये करे जाते हैं किसके द्वारा, भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है टाइप का। देखिए इसमें पूछा गया है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय किससे होता है। पहला, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर के बारे में बताया जाता है। दूसरा बोला गया है यहाँ पे कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं के बारे में चर्चा की जाती है। तीसरा, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात बताया जाता है। चौथा, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार ना मिलने के बारे में बात की जाती है। तो देखिए अगर बात करें हम लैंगिक विभाजन की बात करें तो हमारा अभिप्राय इसमें होता है कि समाज में
स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाओं। तो हम किसके बारे में इसमें बात करेंगे, हम बात करेंगे समाज द्वारा जो दी गई है स्त्री और पुरुष को असमान भूमिकाएं, ठीक है, जो कार्य बांट दिए गए हैं स्त्री और पुरुष की, उसी के बारे में लैंगिक विभाजन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो जो विकल्प हमारा नंबर है खा, वो हमारा क्या होगा, सही राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहीं पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ भी ये भी बहुविकल्पी कृष्ण के अनुसार ही है। ये पूछा गया है यहाँ पे कि भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, मतलब कहाँ पर औरतों को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लोकसभा में आरक्षण प्राप्त है कि विधानसभा में कि मंत्रिमंडल में कि पंचायती राज की संस्थाओं में। तो औरतों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज की संस्थाओं में है, ठीक है, पंचायती राज की संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे घा होगा हमारा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये हमारे जो हैं वो कैसे क्वेश्चन होंगे, अति लघुतरी प्रश्न है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्राचीन समय में महिलाएं, ठीक है, जो पहले समय में जो महिलाएं थी वो क्या करती थी, कैसे रहती थी, तो वो घर की चार दीवारी के अंदर ही तक सीमित थी, मतलब बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, बाहर का कोई भी काम महिलाओं के लिए नहीं होता था, बस घर की चार दीवारी के अंदर वो रहकर ही काम कर सकती थी। तो ये थी प्राचीन समय की व्यवस्था। अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करें, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे पूछा गया है कि लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है, तो लैंगिक विभाजन सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है, किस पर आधारित है, सामाजिक अपेक्षाओं पर आधारित है। अगले यही क्वेश्चन की बात करें तो लैंगिक श्रम विभाजन में पुरुष कहाँ काम करते हैं, तो लैंगिक श्रम विभाजन में जो बात की थी हमने क्वेश्चन नंबर इसमें विस्तृत उत्तरी में पढ़ा था, दीर्घ उत्तरी प्रश्न में या विस्तृत उत्तरी प्रश्न में, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि लैंगिक श्रम विभाजन दो पार्ट में विभाजित किया गया था, पुरुषों को वहाँ पे बाहर का काम दिया जाता था और महिलाओं को केवल घर का काम करने के लिए कहा जाता था। तो पुरुष यहाँ पे काम किस कहाँ करते थे, घर से बाहर। अगर यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है नारीवाद किस चीज में विश्वास रखता है, तो नारीवाद यहाँ पे पुरुष और महिला के समान अधिकार में विश्वास रखता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस देश के सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, तो देखिए हमारा देश वो भारत ही है जहाँ पे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का जो है वो प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी है उसकी बात करें, तो भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी, ये पहले का डाटा है 54% थी, ठीक है। यहाँ पे जो साक्षरता दर है स्त्रियों की, ये पहले का डाटा है, पहले जो था 2001 का वो 54% था, तो यहाँ पे इसको कट कर दीजिए। स्त्रियों की जो वर्तमान में 2020 की बात करें, ये 2020 की ना 2011 की जनगणना के हिसाब से ही बात करते हैं, तो यहाँ पर जो स्त्रियों की साक्षरता दर होगी वो बढ़ गई है, वो कितनी हो गई है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन में, होगा 65.04, ठीक है, या नहीं 65.46, ठीक है, एक मिनट फिर से साफ साफ लिख लीजिएगा, यहाँ पर इसे कट कर दीजिएगा। अब जो वर्तमान में 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी उसमें स्त्रियों की साक्षरता में वृद्धि हुई थी, तो उसके हिसाब से जो स्त्रियों की साक्षरता दर है वो है 65.46%, ठीक है, स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी 65.46%। वहीं पे अगर पुरुषों की बात करते हैं तो पुरुषों की जो साक्षरता दर थी वो थी 74.04%, ये थी पुरुषों की साक्षरता दर, और 65.46% थी ये थी महिला की। तो यहाँ पे स्त्रियों की पूछी गई है, तो स्त्रियों की जो साक्षरता दर होगी वो होगी 65.46%। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा और यहाँ आंसर में लिख दीजिएगा 65.46%, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कि भारत में लिंग अनुपात कितना है, तो ये भी पुरानी
पुरानी बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, भारत में जो लिंग अनुपात है वो लगभग अब है जो वो है 943। कितना है भारत में लिंग अनुपात है वो है 943 प्रति 1000 पुरुषों में। तो यहाँ पे कट कर दीजिएगा 927, यहाँ पे लिख दीजिएगा 943। मतलब भारत में अब लिंग अनुपात कितना है 943 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है। तो अगर 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या थी कितनी थी 943, तो वो कहलाता है लिंगानुपात। क्या कहलाता है? लिंगानुपात। अगली क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला है, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब तक अधिक से अधिक कितना रहा है। तो अगर बात करें कि अधिक से अधिक कितना रहा है महिलाओं का प्रतिनिधित्व, तो 10% महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक रहा है। अगली बात करें कि स्थानीय सरकार में स्त्रियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है, तो 1/3 भाग जो है वो स्त्रियों के लिए आरक्षित है स्थानीय सरकार में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। यहाँ पे कहा गया है कि विवाह तलाक उत्तराधिकार से संबंधित कानून क्या कहलाता है। तो विवाह तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित कानून कहलाता है पारिवारिक कानून। क्या कहलाता है? पारिवारिक कानून। अगले क्वेश्चन की बात करें कि धर्म में राजनीति का प्रयोग क्या कहलाता है। तो धर्म में राजनीति का प्रयोग कहलाता है सांप्रदायिक राजनीति। क्या कहलाता है? सांप्रदायिक राजनीति। अगर धर्म में राजनीति का प्रयोग हो तो वो कहलाता है सांप्रदायिक राजनीति। अगला क्वेश्चन है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किसने बनाया है। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया है संविधान ने। किसने बनाया है? संविधान में बताया गया है, कुछ ऐसे बातें लिखी गई हैं जो आप बातें स्पष्ट की गई हैं जिसके अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य साबित हुआ है। वहीं पे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि लोगों का ग्रामीण क्षेत्रों की क्षेत्र से शहरों की तरफ, ठीक है, लोगों का ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की तरफ भागना क्या कहलाता है। तो शहरों की तरफ जो लोग भागते हैं उसे कहते हैं नगरीकरण। क्या कहते हैं? गांवों से शहरों की ओर भागना नगरीकरण कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि भारत किस प्रकार का देश है। तो अभी भी हमने पीछे पढ़ा कि भारत जो हमारा वो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है। देखिए ये भी हमारे कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न है, उनकी भी बात कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका क्या कहलाती है। वो कहलाती है लैंगिक विभाजन। दूसरे क्वेश्चन की यहीं पे बात करें तो भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किन प्रतिनिधि संस्थाओं में है। तो ये है पंचायती राज की संस्थाओं में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहीं पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। तो अभी हमने 1/3 की बात की थी, तो मतलब अगर 100% में बात करेंगे तो 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है सीट। वहीं पे लिंगानुपात किसके कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, किसे लिख लीजिएगा, लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है उसे ही लिंगानुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, ये शब्द किसने कहे थे। तो ये शब्द जो बोले गए थे वो महात्मा गांधी के द्वारा बोले गए थे। अगले ही क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन है कि एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणता पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका मतलब धर्म जाति जो नहीं है वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं अनुसूचित जनजाति, ठीक है। अगली बात करें कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, को लिख दीजिएगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, भागते हैं। तो वो कहलाता है शहरीकरण। अगले क्वेश्चन की अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों की कुछ बात कर लेते हैं। तो देखिए अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, निम्नलिखित में से किन आदर्शों पर सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीति जो आधारित है, एक धर्म को अन्य धर्मों से बेहतर मानना, दूसरे में धर्म के आधार पर वोट बैंक का निर्माण करना, तीसरा है राजनीतिक
जो राजनीतिक दलों द्वारा जातिगति रूढ़वादिता को बढ़ावा देना, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए उपरोक्त सभी जो हैं वो सांप्रदायिक राजनीति पर आधारित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्थ नंबर विकल्प हमारा सही होगा। अगले क्वेश्चन की यहीं पे बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश में महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता जो है वो सर्वाधिक है। तो ये हमारा देश है वो है स्कैंडिनेवियन। ठीक है, ये देश जो है ये है स्कैंडिनेवियन। क्या नाम है? स्कैंडिनेवियन। ये जो देश है ये महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में सहभागिता सर्वाधिक है इस देश में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। यहाँ पे पूछा गया है 2001 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? तो यहाँ पे थी 54%, लेकिन अभी हमने पीछे आपको बोला था कि ये डाटा थोड़ा सा पुराना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2001 की बात करी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2011 के। ठीक है, कितने की बात कर लेते हैं? 2011 की। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? तो ये 54% हम काट देंगे। 2001 में पूछा जाएगा तो 54% होगी। अगर हम 2011 की बात करेंगे तो 2011 जनगणना के अनुसार अगर पूछा जाए कि भारत में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है, साक्षरता दर मतलब कितनी है, तो महिलाओं की जो साक्षरता दर होगी वो होगी 46%। ठीक है, ये होगी 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, और यहीं पे 2001 से पूछेगा, 2001 में 54% होगी। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो नई जनगणना अब होने वाली है, नई जनगणना 2021 में होनी थी। ठीक है, तो 2011 के अनुसार हमारी जो महिलाओं की साक्षरता दर थी वो थी 65.46%। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। चलिए आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन धर्म राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचारों को प्रदर्शित करता है? तो देख लीजिए कौन सा प्रदर्शित करता है, तो राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। देखिए यही कथन हमारा सही है, ये महात्मा गांधी के विचारों से क्या करता है, प्रदर्शित करता है। महात्मा गांधी के विचारों को प्रदर्शित करता है। कौन प्रदर्शित करता है? तीसरा नंबर विकल्प, राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करने वाले व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो देखिए निम्न में से भारत के लिए किस प्रकार का विभाजन आप प्रत्याशित है? तो यहाँ पे जो जातिगत विभाजन है वो भारत के लिए आप प्रत्याशित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि प्राचीन काल में स्त्रियां तक ही सीमित हुआ करती थी। तो ये घर की चार दीवारी के भीतर ही तक सीमित हुआ करती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका आशय लिंग विभाजन से है? तो समाज द्वारा पुरुष और महिलाओं के लिए निर्धारित जो समान भूमिकाएं हैं ये लिंग विभाजन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो उसे कहते हैं नगरीकरण। तो क्या बोलते हैं? नगरीकरण। ठीक है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों के विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहा जाएगा? तो कहा जाएगा नारीवाद। क्या कहा जाएगा? नारीवादी। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक थे। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो विकल्प भी, वो भी यहाँ पे इन होता है। अतिले उत्तरी प्रश्न भी हमने पढ़ लिए हैं और मतलब सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। तो हमारा जो चैप्टर होता है 4 वो यहीं पे होता है इन। अगले चैप्टर पे मिलेंगे हम कल, क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 5 होगा हमारा नए क्वेश्चनों के साथ। तो चलिए यहीं से आज की क्लास हमारी होती है समाप्त।